नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि ऋषियों ने बताया है प्रदोष व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये प्रदोष व्रत 11 सितंबर 2019 को है, तो आइए हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। मित्रों, प्रदोष व्रत भगवान शिव का परम पवित्र व्रत होता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार यह प्रदोष व्रत 2 महीने में 2 बार आता है और श्री सूति जी महाराज जी ने गंगा के तट पर ऋषियों को बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, लोग धर्म को छोड़कर के अन्याय की राह पर चलेंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अब उनके सारे कष्ट दूर हो सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया और इसके बाद सूत जी इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया। इसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में बताया, शौनकादिक ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों में अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस प्रदोष का व्रत रखने से पुण्य 2 गाय का दान करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को निर्जला भी रखना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य फल प्राप्त होता है। मित्रों, किस तरह से भगवान शिव को हमको प्रसन्न करना है और किस तरह से भगवान शिव जो योगेश्वर हैं, उन भगवान शिव को जो समस्त प्रकार के भक्तों के जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान शिव का पूजन करने से जो प्रदोष के इस पावन व्रत को करता है उसके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा उसके जीवन पर रहती है, उसके परिवार पर रहती, उसके व्यापार पर रहती है और प्रदोष व्रत जो भी मानव करता है, 1 गाय का दान करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह से प्रदोष व्रत करने से 2 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।